हेलो गाइज, मैं सुमन श्रीवास्तव आर के आई ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और आज बच्चों का डिमांड है गुजिया बनाने के लिए दोबारा, तो मैं गुजिया का पूरा मेवा वगैरह तैयार कर रही हूँ। और अभी हमने मेवा कट कर लिया है, काट रही हूँ, और ये चीनी हमने पीस लिया है, और खोया मैंने दूध मंगाकर खोया भी बना दिया था। तो सब कुछ तैयार हो चुका है। और ये नारियल काट रही हूँ मैं, नारियल और काजू किशमिश बादाम सब मेवा मैं काट रही हूँ। तो गाइस कैसे हो आप लोग? चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर वीडियो तैयार होने वाला है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और ये नारियल बहुत ही हार्ड है, जो मेरा हाथ दर्द होने लगा काटते काटते नारियल, और किसी तरह से हमने नारियल भी काटा है। और मैंने नारियल का बुरादा भी रखा है, तो मैं उसको भी डाल दूंगी। और थोड़ा सा ही नारियल मैं काट रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है नारियल, हाथ दर्द होने लगा काटते काटते। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो हमारा कैसा लगा। और हमारा हाथ भी जल गया है आज, तो बहुत दर्द हो रहा है हाथ भी, और किसी तरह से मैं इसको भी काट रही हूँ, और घर का काम करना तो ज़रूरी ही है। और काजू किशमिश और बादाम है, तो नारियल सिर्फ हार्ड है, बाकी तो आसान है सब काटना। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। और बहुत तेज छींक आ गई है मुझे। और ये रिफाइंड है, और अब मैं मैदा की तैयारी कर रही हूँ। मैदा मैं गूंद लेती हूँ, मेवा काट लिया है, और इसमें 1 कप मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। तो 1 किलो मैदा में 1 कप रिफाइंड बहुत ही परफेक्ट होता है, और कप का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, 1 कप हमने ले लिया है, बहुत ही अच्छा इतने में परफेक्ट होगा। और मैं इसको मोयम कर लेती हूँ मैदा को। और खोया और मेवा मेरा तैयार हो चुका है, अब मैं मैदा गूंद लेती हूँ मोयम करके। और मोयम इस तरह से अच्छे से मसल के कर लेना चाहिए, ताकि अच्छे से मोयम हो जाता है, तो सॉफ्ट होता है गुजिया।
और ये हाथ मेरा जल गया है। और अभी इसको अच्छे से मैं थोड़ी देर और साफ़्ट कर लेती हूँ, मोयम कर देती हूँ ताकि साफ्ट हो जाए अच्छे से। अब ये मोयम हो चुका है, अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि मोयम कैसे हो गया है। और ये आप देख सकते हैं, हमने इसका लड्डू बना दिया है। और ये लड्डू किस तरह से बन गया है लड्डू, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से मोयम हो चुका है। अब इसमें मैं डालती हूँ सिंपल पानी। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं मैदा को गूंद लेती हूँ, क्योंकि 1 किलो मैदा मैंने मंगाया था, तो ये पूरा 1 किलो मैं गूंद रही हूँ, और गीला हो जाएगा नहीं तो, थोड़ा थोड़ा अगर पानी नहीं डालूँगी तो। और मैदा यहाँ बैठकर गूंदते नहीं बन रहा है, अब मैं लेके चलती हूँ, मैं नीचे ही गूंद लेती हूँ अच्छे से। अब मैं चलती हूँ, नीचे ही गूंद लूँगी अच्छे से मैदा। और ये मैदा मैं नीचे गूंद ली हूँ और बहुत अच्छे से साफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको अब मैं रख देती हूँ ढक करके, और थोड़ी देर बाद अब मैं बनाऊँगी। और यहाँ से मैं ले जा करके इसको किचन में रख देती हूँ। और अब मैं ले आती हूँ सब्जी, और सब्जी काट लेती हूँ।
और ये मैं सब्जी ले आई, बैंगन आलू और प्याज हरी मिर्च जो मैं काट लेती हूँ बैठकर रात के लिए। और रात में मैं बैंगन की सब्जी बनाऊंगी आज। तो बैंगन हमने धुल लिया था और बैंगन धुल के मैं काट लेती हूँ और आलू काटने के बाद ही मैं धुलूँगी। बहुत ही अच्छा बैंगन है, सॉफ्ट है और कीड़े नहीं हैं, बहुत ही सॉफ्ट बैंगन है। और प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो पर, पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा आप सभी लोग। बैंगन हमने काट लिया है और मैं आलू भी छील लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आलू मैं डालूँगी बैंगन में। और आप लोगों के लिए मैं दो वीडियो डेली लेकर आती हूँ। एक वीडियो शॉर्ट्स सुबह के टाइम 8 से 9 बजे के बीच में मैं लेकर आती हूँ, और ये एक वीडियो मैं शाम को लेकर आती हूँ 7:05 पर। शाम को लॉन्ग वीडियो लेकर आती हूँ आप सभी लोगों के लिए। प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो पर जा कर के बात ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट दें। कमेंट मिलने पर मैं आप लोगों के वीडियो पर ज़रूर आऊँगी। और अब हमने प्याज भी काट लिया है, बैंगन काट लिया, आलू काट लिया और प्याज भी काट चुके हैं हम। और ये हरी मिर्च है, इसको भी मैं काट लेती हूँ।
और छिले हुए आलू को मैं कट कर लेती हूँ पतला पतला। और अब मैं चलना चाहूँगी, क्योंकि आलू भी कट चुका है हमारा। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ओके, बाय बाय।